जयपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन की जो कवायद थी वो शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं, आरोपी के अवैध निर्माण पर एक्शन देखा जा रहा है। नसीब चौधरी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आरएसएस के कार्यक्रम में दरअसल चाकूबाजी करने का आरोप उसके ऊपर है और ऐसे में उसके अवैध अतिक्रमण पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जयपुर से आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर के जरिए अवैध अतिक्रमण को ढहाया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर, चाकूबाजी के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, अवैध अतिक्रमण पर ये कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आरएसएस का कार्यक्रम था दरअसल और उसी में खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाले नसीब चौधरी के घर पर जयपुर विकास प्राधिकरण इस वक्त बुलडोजर चला रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने मंदिर के पास अवैध कब्जा हटाने को लेकर नसीब चौधरी को नोटिस भी कल जारी किया था और नोटिस में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक दिन का समय दिया गया था। अब ये मियाद खत्म हो चुकी है और यहाँ बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। भवानी हमारे सहयोगी वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हम सीधे वहीं से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भवानी, ओवर टू यू। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, एक्सक्लूसिव तस्वीर। अभी वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और शोर बहुत ज्यादा होने की वजह से भवानी की आवाज जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं पहुंच रही, इसलिए पहले आप तस्वीरें देखिए फिर पूरी जानकारी और अपडेट हम उनसे लेंगे। ये तस्वीरें जयपुर से, जहां पर आरोपी के अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है। चाकूबाजी का आरोप नसीब चौधरी के ऊपर था और यहीं पर अब देखिए एक्शन देखने को मिल रहा है। एक दिन का समय भी दिया गया था कि खुद से ये अवैध अतिक्रमण वो हटा ले, जब हटाया नहीं गया अवैध अतिक्रमण, तो यहाँ पर अब जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। नोटिस जारी किया गया था कल, मंदिर के पास अवैध कब्जा किया गया है और इसे लेकर ही जयपुर विकास प्राधिकरण ने उसे नोटिस दिया था। नसीब चौधरी को कल नोटिस जारी किया गया था, एक दिन का वक्त दिया गया था और अब चूंकि ये मियाद खत्म हो चुकी है, ऐसे में वहां बुलडोजर एक्शन इस वक्त जारी है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर से एक्सक्लूसिव सामने आ रही है, न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर से बुलडोजर एक्शन की तस्वीर, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। मंदिर के पास अवैध निर्माण किया गया था, जिसे लेकर एक दिन का वक्त भी दिया गया था कि खुद से ये अवैध अतिक्रमण वो हटा ले, जब ऐसा नहीं हुआ तो फिलहाल जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई वहां की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में इस पूरे एक्शन को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। भारी तादाद में वहां लोग भी जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें जयपुर से, जहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए, भवानी क्या तस्वीरें मिल रही हैं, दिखाइए दर्शकों को। हाँ मनीष, देखिए जिस मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जो आरएसएस के खीर वितरण का कार्यक्रम था, शिव मंदिर है। एक तरफ आप देखिए कि संघ कार्यकर्ता यहाँ पर जो नमकर नारेबाजी कर रहे हैं, यहीं पर नसीब चौधरी जिसने चाकूबाजी की थी, और यहाँ पर अब दूसरी तरफ ये उसका घर है नसीब चौधरी का। नसीब चौधरी वो शख्स जहाँ पर अब पीला पंजा बुलडोजर पहुंच चुका उसका घर तोड़ने के लिए, और यहाँ देखिए कि ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर उस नसीब चौधरी का, नसीब चौधरी और उसके बेटे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खीर वितरण कार्यक्रम या मंदिर पर चल रहा था उस दौरान यहाँ पर उसने चाकुओं से हमला कर दिया था, और उसके बाद में 5 जो आरएसएस के कार्यकर्ता वो घायल हो गए थे, जो अस्पताल में भर्ती है अभी भी, और यहाँ पर अब इसको गिराया जा रहा है। अवैध रूप से यहाँ पर है बना हुआ, यहाँ गिराया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए कि कार्रवाई की जा रही है और ये पूरा उसका अतिक्रमण माना गया। एक दिन पहले उसको नोटिस भी दिया गया और उसके बाद में कार्रवाई की। हमारे साथ गौरी शंकर जी है, बताएं ये जो ये वही शख्स नसीब चौधरी है जिसने आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी की थी। जी जी, अब क्या ये पूरा ये उसका अतिक्रमण है? हाँ अतिक्रमण है, ये पार्क की जमीन पे। नोटिस दिया था आपने? बिल्कुल नोटिस दिया है, नोटिस देके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। एक लेग बाथ बना हुआ है, किचन बना हुआ है, एक कमरा बना हुआ है। ये पूरा आप तोड़ेंगे? ये पूरा तोड़ेंगे। तो ये पार्क की जमीन है जी।
पार्क की जमीन यानी अवैध रूप से या पार्क के एरिया में यानी कि मंदिर बना हुआ मंदिर का पार्क का हिस्सा जहां पर अतिक्रमण कर रहा था जिसको अब ध्वस्त किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए कि एक हिस्सा आगे का गिराया जा चुका है, दूसरा हिस्सा आप देखिए कि पीछे का जो सामने नजर आ रहा है बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है ये पूरा घर उसका नसीब चौधरी का। और यहाँ पर आप देखिए कि अब बुलडोजर अब पहुंच चुका है, ये खिड़की गिराई जा चुकी है सामने आप तस्वीरों से नजर आ रहा है जैसे ही खिड़की टूटी पड़ता यानी कि अंदर नसीब चौधरी ले रहा था और जब उसने अटैक किया था हमला किया था उस वक्त वो यहीं पर मौजूद था। नसीब चौधरी और उसके बेटे ने आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी से हमला किया था और इसीलिए उसके बाद में उसे नोटिस दिया गया। तो पता चला जांच के दौरान जब जेडीए ने जांच की तो ये पूरा जो उसका हिस्सा है जो इसका मकान है ये पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ था, इसलिए एक दिन पहले उसको नोटिस दिया, 24 घंटे का समय दिया गया, उससे जवाब मांगा गया, हालांकि उसको अरेस्ट कर लिया गया। दोनों बाप बेटे इस वक्त न्यायिक हिरासत के अंदर है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। और आप देखिए कि इसी में खास तौर पर क्योंकि वो कब्जा कर रहा था तो संघ के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वो पूरे इस मंदिर पर कब्जा करना चाहता था इसलिए उसने संघ के कार्यक्रम के अंदर चाकूबाजी की हमला किया अटैक किया यानी कि खुद अवैध रूप से रह रहा था। और मंदिर जो बना हुआ है सरकारी जमीन मंदिर की जमीन है जिसका पार्क का हिस्सा उस पर भी कब्जे की कोशिश कर रहा था इसीलिए अब यहाँ पर उसका घर तोड़ा जा रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ वो लोग चाहे माफिया हो चाहे वो पेपर माफिया हो चाहे वो चाहे ड्रग माफिया हो या फिर वो अपराधी जो भी किसी अपराध को। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के बाद पास की दुकानों और कारों के शीशे टूटे किसी के घायल होने की खबर नहीं, दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद।